जी, आप गूगल सर्च पे आए हैं, यहाँ आप सर्च कीजिए, हम लिंक दे रहे हैं आपको, वही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो INQUIRY.hajinfo.or जी, ये हम लिंक आपको वहाँ पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें। हमने यहाँ पे इसको सर्च किया और आपके पास आ गया फ़्लाइट शेड्यूल। हो बहुत खुशकिस्मती है इसका, बहुत, ये देखिए फ़्लाइट शेड्यूल आ गया। फ़्लाइट शेड्यूल में आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर सर्च करना है। ये देखिए, आपने यहाँ पे सर्च करना है अपना आईडी कार्ड 1017301, और जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है 1320 जो भी है, मैं तो इधर एक फ़र्जी नंबर लिख रही हूँ। और हम जब ये लिख के तो ये सर्च को सेंड करते हैं तो आपके पास तमाम डिटेल उस तरह की आ जाती है, जिसके हम आपको सैंपल दिखाएंगे। और अगर आप वहाँ पे नहीं आईडी कार्ड सर्च करते तो यहाँ पे आपका जो हज एप्लीकेशन नंबर है जो आपको बैंक से मिला था वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको फिर भी वो सारी डिटेल आ जाएगी। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, कुछ हमारे हुजाज कराम की ये आई है डिटेल, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में सारी तफसील बताई है, उसको दोहराऊंगी नहीं, कि ये तमाम तफसील जो है आपके पास आ जाएगी। अब जो नई चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जो कोड दिए गए हैं ना, और जो टाइमिंग दी गई है इस फ़्लाइट नंबर, इस फ़्लाइट्स की शेड्यूल के अंदर जो आपके टाइमिंग है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें जो कोड है उसको समझना ज़रूरी है। मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं जहाज़ों के, उनके कोड्स डिफरेंट हैं, तो हम थोड़ा सा आपको बताते चलें ताकि आपको आसानी हो सके। पाकिस्तान की चार कंपनीज़ हैं एयरलाइन की, जिसके थ्रू हुजाज अकरम जाएंगे सऊदी अरब, जिनमें PI है, जिसका कोड PK से, आप PK कोड आएगा तो उसका मतलब है कि आपकी PIA एयरलाइन है, और SV का आएगा कोड आपके फ़्लाइट शेड्यूल में तो उसका मतलब है सऊदी एयरलाइन में आप जाएंगे, और ER कोड का मतलब है सिरीन एयरलाइन, जबकि PA जो है वो एयर ब्लू है। ये चार कंपनीज हैं, ये फिफ्थ का भी जिक्र है लेकिन इसके मतलब ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एयर सेल है, शायद इसको भी हायर कर लिया गया हो। तो ये कंपनीज़ हैं जिसके कोड नंबर आपके पास है, और आपको समझ आ जानी चाहिए कि इन कोड्स के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़्लाइट कौन से है। और जो फ़्लाइट शेड्यूल में टाइम दिया होता है वो 24 घंटे में शुमार होता है, और हमारे यहाँ आमतौर पर हम जो यूज़ करते हैं टाइमिंग वो मुख्तलिफ होती है, यानी 12 के बाद हम एक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर 12 बजे के बाद जो 13 हमारा एक बजता है तो वो 13 उसको लिखा जाता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में। और चलिए हम आपको इसको तफसील से बताते हैं कि सुबह 9 बजे को आप 9 लिखते हैं, और रात के 9 को फ़्लाइट शेड्यूल में आपके टिकट के ऊपर 21 लिखा होगा, रात के 1 बजे को 100 लिखा होगा, और दिन के 1 बजे को 13 यानी 13 लिखा होगा। दोपहर के 12 बजे का टाइम जो है वो 12 होता है, और रात के 12 बजे का अगर टाइम है तो 00 होगा, और इसी तरह जब रात का 1 बजे का तो वो 1 होगा, लेकिन दोपहर के 1 या 2 बजे होगा तो 13, 14, 15 यानी 13, 14, 15 इस तरह से लिखा होगा। सुबह के 8:15 को हम 7:45 लिखते हैं, और रात के 8:15 को हम 19:45 यानी रात के 7:45 लिखते हैं। तो इसको ज़रा चेक कर लीजिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रात दिन की टाइमिंग के फ़र्क में कहीं फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो पहले टाइमिंग देखिए और फिर डेट देखिए कि रात के बाद जो आएगी वो नेक्स्ट डेट लिखी होगी लेकिन उसी दिन की रात होगी, तो ये ज़रा चेक कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जी जनाब। अगर आपको कोड के समझने में या फिर टाइमिंग को समझने में मुश्किल हो तो आप जब टिकट या पासपोर्ट वहाँ से हाजी कैंप से वसूल करेंगे तो एयरलाइन का अमले से वहाँ ज़रूर तस्दीक करवा लें और कंफर्म करवा लें कि आपके टिकट पर आपकी फ़्लाइट कौन सी है। ये डिटेल बहुत सारे लोगों को पता तो है लेकिन हमारे बहुत सारे आज़मीन हज इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, तो एक लेरन ज़रूरी समझती थी। और आप जाके अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए और हमें
माजरत ख्वाह हैं क्योंकि आपको इंतज़ार की ज़हमत करना पड़ी और बार बार लिंक को क्लिक करना पड़ा, लेकिन हमने बिल्कुल वाज़िया और सही मालूमात आप तक पहुंचाई थी। लिंक डाउन होने की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। आप इस मुबारक सफ़र पर जाने जाते हुए हमें याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका ये सफ़र मुबारक करें और कबूल फरमाए आपकी तमाम तर इबादत, और वहाँ पर भी हम आपको इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे और आपको मालूमात से आगाही देते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और मददगार हो।